कारण है दोस्तों, एक तो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ आ जाता है ट्रैक्टर के, यानी कि जो इसका स्ट्रोक है इंजन का वो ज़्यादा है और सीसी भी ज़्यादा है और दोस्तों टॉर्क भी बहुत। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये है जी महिंद्रा का 575 DI XP+। तो भाइयों, मैंने इस ट्रैक्टर की एक वीडियो जो है रूटावेटर के साथ डाल दी थी, तो भाइयों के कमेंट आए कि इस ट्रैक्टर की हमें परफॉर्मेंस टीलर पे दिखाओ। तो भाइयों, आज हम इस आपको टीलर पर इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये 2979 CC का इसमें इंजन है जी, और लॉन्ग स्ट्रोक के साथ इसका इंजन आ जाता है, जो कि एक बिल्कुल महिंद्रा की नई तकनीक के साथ है। तो भाई, 47 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, 192 Nm का इसका टॉर्क है, जो ये टॉर्क जनरेट करता है। तो भाइयों, इसमें मैं बता दूं कि पिछले टायर जो हैं 14/9/28 के हैं, और ये आज जो ट्रैक्टर है ये पूरा टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, डबल क्लच पावर स्टेयरिंग के साथ आ जाता है भाइयों ये। और ये जो कल्टीवेटर है बहुत ही हैवी कल्टीवेटर है जी, ये 23 इंची 10 वाला कल्टीवेटर नहीं है, 26 इंची 10 वाला कल्टीवेटर है। तो ये हैवी कल्टीवेटर है जी बहुत, और 9 का कल्टीवेटर है, फाड़े वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। हैवी टीलर के साथ आज हम आपको इसकी परफॉर्मेंस टीलर पे दिखाएंगे जी। तो भाइयों, क्लासिक लुक के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने दिया है, क्रोम वाली हेडलाइट है, ये काली पट्टी आ गई, बहुत ही बढ़िया, मतलब जिसे कह देते हैं अभी सुंदरता में भी कोई अब की बार महिंद्रा ने कमी नहीं छोड़ दी है। तो भाइयों, हम इसे पहले के हाई में और दूसरे के हाई में दोनों गियरों में आपको चला के दिखाएंगे। ये भाई हैं हमारे, पहले के हाई में चलाएंगे इसे। पहले के हाई में ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, पक्का खेत है जी। देखो दोस्तों, बढ़िया पूरे एकदम बहुत ही बढ़िया खिंचाई कर रहा है जी ट्रैक्टर। थोड़ी दोस्तों जगह कम है, तो आज हमारे पास खेत खाली नहीं था, तो एक दिन पूरे बड़े खेत में भी इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन ये तो आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आई, इसलिए हमने ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बना दिया। देखो जी, पहले के हाई में कितनी बढ़िया शानदार खिंचाई है, वाकई में पुराने 575 से दम बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक्टर में। कारण है दोस्तों, एक तो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ आ जाता है ट्रैक्टर ये, यानी कि जो इसका स्ट्रोक है इंजन का वो ज़्यादा है और सीसी भी ज़्यादा है, और दोस्तों टॉर्क भी बहुत हाई है इस ट्रैक्टर का। और बैकअप टॉर्क की हम बात करें तो बैकअप टॉर्क भी आम ट्रैक्टर से 20% फालतू है जी इसका। तो भाइयों, अगर हम बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा में वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन चुकी है अब ये, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिकने बेचने वाली कंपनी है ये। तो किसान भाइयों, बता दूं कि महिंद्रा कंपनी को जो जापान में गुणवत्ता के लिए एक डेमिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो पहली ट्रैक्टर कंपनी है जिसे ये पुरस्कार मिला है। तो भाइयों, क्वालिटी तो के ऊपर तो महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। अब भाइयों, दूसरा हाई लगवा के दिखाएंगे आपको। तो भाइयों, दूसरा के हाई में आपको इसकी चाल दिखाएंगे। तो दूसरे के हाई में देखो जी, पूरी तकड़ी खिंचाई कर रहा है जी ट्रैक्टर दूसरे के हाई में। थोड़ा मोड़ पे दब रहा है क्योंकि जगह कम है मोड़ने के लिए, पर दूसरे के हाई में चाल देखो आप ट्रैक्टर की। तो भाइयों, मेरे हिसाब से तो जैसे कि मैंने इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अब तक देखी है, तो ये ट्रैक्टर पूरे पैसे आपके वसूल करता है, और एक ब्रांड भी है महिंद्रा अपने आप में ट्रैक्टर की कंपनियों में, मतलब ट्रैक्टर कंपनीज में अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है ये।
तो किसान भाइयों, आप लोगों को इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लगी कल्टीवेटर पे कमेंट में जरूर बताना और आगे